आखिर कौन थी अहिल्या, क्यों और कैसे बन गई थी वो पत्थर? रामायण के पात्रों से हमारे यहाँ बच्चा बच्चा परिचित है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति के मन, विचार और रुचि को मोहने वाली अनेक कथाएं इसमें बसी है। ऐसी ही कथा है श्री राम के वनवास के समय पत्थर की शिला पर पैर पड़ने पर उसका जीवित स्त्री में बदल जाना। यही अहिल्या थी जो राम के स्पर्श से श्राप मुक्त हुई थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अहिल्या को श्राप क्यों मिला, वे पत्थर की शिला कैसे बन गई थी? दोस्तों आइए आज इस रोचक और अनोखी कथा का आनंद लेते हैं। यह बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उसका प्रेम पाने के लिए ललायत हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहता था। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर का प्रतीक्षा करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकावांश में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पास ने वन में जाना असंभव बना दिया था, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 माह का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी, जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहा था। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि का आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हुआ वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर की हो जा। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न, आप मुझे अकेला छोड़कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराए पुरुष के साथ रही पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के साथ थी। अहिल्या की बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके चरण से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से पुनः स्त्री के रूप में प्रकट हुई।